शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओली विश्वजीत ले आ पढ़िए विश्वजीत। हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है? पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो? अरे भाई कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत, परमजीत। कौन परमजीत? मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है। अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है? ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है। ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल। डैडी जी मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है। ए यार तेरे को क्या हो गया है? चुनीलाल मणिलाल। कौन मणिलाल? तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल। ये नाम मैंने कब रखा? बचपन से। बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी 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 मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस। ओ जीसस। जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस। गेट आउट, गेट आउट, जाओ जाके नाश्ता बनाओ वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। आज मत काट दो, अभी कल का जख्म पूरी तरह भरा नहीं है। चल ना भाई जीजा जी, चल ना। जीजा जी नहीं, मैं आपका दामाद हूँ। वो तो बाहर ना, घर में तो हम दोनों नौकरी है ना। चल चल। फ्रांसीसी छात्रों ने प्रदर्शन किया। कहाँ फंस गया मैं? ग्रीन कार्ड के चक्कर में शादी की और अब ग्रीन सब्जियां काट रहा हूँ। अब कुछ खबरें भारत से। खतरनाक माफिया सरगना गुरु गुलाब खत्री, जो कि स्वर्गीय गृह मंत्री श्री मणिशंकर शर्मा की हत्या का प्रमुख आरोपी है, अब तक लापता है। लोगों को प्यार से कॉफी पिलाने के बहाने उनकी हत्या कर देने वाला मशहूर गुरु गुलाब खत्री अपने दुश्मन गिरोह के माफिया डॉन विक्रांत के साथ भी दगाबाजी कर चुका है। इसलिए अब विक्रांत ने गुरु गुलाब खत्री की जानकारी या उसका पता बताने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब कुछ खेल समाचार। डैडी जी आपने देखा, क्रिकेट पर सट्टा 2 करोड़ का इनाम? कड़ी से कड़ी। अरे भाई तू जल्दी से नाश्ता डाइनिंग टेबल पे नहीं पहुंचाएगा ना तो वो 2 गुंडी हमारी मुंडी पे इनाम डिक्लेयर करेगी, वो भी $2 का। चल चल जल्दी चल और चाय ले क्या, चल। डैडी मेरे लिए अमेरिकन चॉप सुई बनाना। मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ क्यों नहीं बनाओगे? मेरे को $50 चाहिए। क्या हम खाना खाने के पैसे नहीं लेते? तुम्हें खाना बनाने के $50 चाहिए? अरे माता जी मेरे को ये सब खरीदना पड़ेगा ना, भाजी वेजिटेबल उसका चाहिए। खाना बनाने का मैंने अभी तक मांगा है। पिछले हफ्ते $50 दिए थे, उसका हिसाब नहीं दिया अब तक? भाई दे दूंगा। अरे हिसाब देना कोई खाने का काम नहीं है, सब साला सोच के करना पड़ता। फिर घोटाला हो तो तुम ही मुझे काटने को दौड़ती हो यार। अभी देख आज तू मुझे $50 देगी ना, है ना, तो उसका है ना मैं टोटल हिसाब साथ में दे दूंगा। ओके ये शाम को हिसाब दे देना। दे दूंगा ना, घर के बाहर नहीं निकलना है मुझे। चल भाई तोल मोल नहीं अनमोल। ओ चल भाई चलो दामाद जी, चल चल चल। क्यों ऐसा मुंह लटका के खड़ा है? हाँ चल दांत तोड़ने नहीं जाना, चल आजा। क्या हुआ है, क्यों उदास खड़ा है? सोच रहा हूँ कि खुशी की तलाश में अमेरिका आया था और मिले तो इतने सारे गम। इस जिल्लत की जिंदगी से परेशान हो गया हूँ डैडी जी। मैं सब समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ। दिन भर क्लिनिक में काम करते रहो, एक एक डॉलर जमा करके मम्मी जी के हाथ में रखो, फिर भी नौकर से बदतर जिंदगी। मैं तो सोचता हूँ मौका मिलते ही इंडिया भाग जाऊँ। अरे भाई मौका तो मैं भी 25 साल से ढूंढी रहा हूँ ना, लेकिन ये सत्यजीत ने पासपोर्ट दबा के रखा है। कौन सत्यजीत? ये तेरी सास, मेरी बीवी। ये साली गलती मेरी है ना, मैं उससे शादी करता ना मेरे को बेटी होती और ना तू उदास होता। ये ले $20 रख। $20? तूने अंदर मांगा था ना, रख ले। लेकिन लेकिन आप? अरे मैं तो सब्जी के हिसाब में झोल झाल कर डालूंगा ना। सब्जी लेने में 20 मिनट जाती है और हिसाब लिखने में 3 घंटा। और वो पैंट लेने का भूलना नहीं हो, फर्स्ट क्लास पैंट ले लेना। चल आजा आजा आजा, मुझे बनिया की दुकान पे छोड़, नहीं तो काटेगी मेरे। कौन है तू? बता कौन है बोल, कौन है तू? चोर? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? चोर? कौन है तू? बता नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बता। मैं कौन? तू दादा? तू कौन? तो मैं समीर। समीर? कौन समीर? समीर आपका पोता। समीर मेरा पोता?
मेरा पोता, तू आ गया अमेरिका से। तो अभी तक तू बोला क्यों नहीं? हाँ, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। कैसे आया? उड़के? उड़कर आया? प्लेन में, प्लेन में। अचानक आ गया? बताना चाहिए था ना, आ रहा है। खत लिखता, किसी को बोलता, फोन करता। स्वदेश देखी ना, इसलिए आ गया। स्वदेश? विदेश में स्वदेश? ओहो, अब आप अपनी मिलिट्री गिरी छोड़ दीजिए। मेरा पोता इतने सालों के बाद आया है, उसे सांस तो ले दीजिए। आजा, आजा बेटा, आजा। आजा, आजा। कितने सालों के बाद आया, बैठ बैठ बैठ। आराम कर, उड़कर आया है, थक गया होगा, बैठ बैठ बैठ। अरे कहाँ जा रहे, बैठ बैठ। तेरा सामान कहाँ है? लाया हूँ ना, तीन तीन सूटकेस हैं। अंदर रख देना, यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं। कौन से फ्लाइट से आया? वो अमेरिका से। हाँ, न्यूयॉर्क टू गोवा। गोवा डायरेक्ट हो गया? तो शिकागो में रहता है ना? वो शिफ्ट हो गया ना? शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? वो अपना न्यूयॉर्क है ना? वो तो है, कहाँ रहता है? पूरे न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? झांसी की रानी। झांसी की रानी? मशाल भाला साहब के घर के पास नहीं रहता। पुतला, पुतला, बाटे 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 का पुतला, लिबर्टी का पुतला, लिबर्टी के स्टैचू के सामने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन पुतला तो दरिया में है। कब से? हमेशा से। कि वो भी शिफ्ट हो गया? वो मैं मजाक कर रहा था, घर की खिड़की खोलो तो सामने पुत। अच्छा, उसके सामने घर? क्या तेरे माँ बाप आते तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? दादाजी, बिल्ली थी। बिल्ली थी कि बैल था? एओ, एओ, एओ। बिल्ली चाइनीज है? ओ, वाए, वाए। तू चुप, ऐसे बात करेगा अपने दादाजी से? कहाँ के संस्कार तेरे? क्या दादा बिल्ली पे जोक भी नहीं मार सकता? परदेश से ये सीख कर आया तू? अबे तू रुक रुक। कौन गया? गया कौन? दादाजी रुक नहीं, भूख भूख। भूख तो लगेगी ही, इतनी दूर से आया है। तू रुक बेटा, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। चार थाली। चार थाली क्यों? वो तीन तीन सूटकेस उठा के लाया हूँ ना, इसलिए भूख लगी है। तीन सूटकेस, चार थाली, बराबर। नहीं 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 नहीं, चार नहीं, आज एक ही थाली में तेरे दादाजी, तू और मैं साथ खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी ला। तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? वो दादाजी, वो पेट खाली है ना, इसलिए आवाज गूंज रही है। गूंज रही? देवा, तूने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं बताया बेटे मुझे। हा? सुनते हो? हाँ। घी का डब्बा नीचे उतार दो। जाइए, डब्बा निकालिए। पोता है तो देसी घी निकलेगा, वरना हमको नो ऑयल नो घी। मिल गए दाने। कैसी है? अरे अप्सरा होगी, लेकिन देखने मिलने का प्रोग्राम होगा तो मैं ही नहीं आने वाला हूँ। देख, इतना अड़ियल टट्टू मत बन, इस बार मेरा घर जरूर बसेगा। बस ये आखिरी बार बुला रहा हूँ। तेरा हर बार आखिरी बार होता है, इस बार सचमुच आखिरी बार है। ला हाथ ला, हाथ ला। ए? आटे वाला चलेगा? अरे आटे की वजह से नहीं, ये आखिरी बार बोल के मेरे हाथ की कितनी बार कसम खाएगा तू? वो पता नहीं, लेकिन बस ये आखिरी बार है सचमुच, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हैं? मैंने लड़की के बारे में सब पता कर लिया है। देख, इस फोटो से लड़की का चेहरा मिलाऊंगा और देख, उसे पहचानूंगा, पसंद करूंगा, और तू फटाक से रिश्ते की बात लगा देना। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किधर है? हाँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तू लड़की पसंद करता है तो तू ये बात क्यों नहीं करता है? देखो देखो, बात सुनो मेरी, दूल्हा हमेशा सुशील, सद्गुणी और शर्मीला लगना चाहिए,
और घर वालों से बात तो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ना। है देख, तू बिखरी हुई बूंदी एक बार समेट ले, उसके लड्डू मैं बना लूंगा। लड्डू और कल का कर रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे उसकी। ओहो, रजिस्टर्ड मैरिज? क्यों, किसी को बुलाओगे नहीं है? अरे मेरा हाई कौन जिसे बुलाऊंगा, क्यों है ना, पहली वाली बीवी लंदन वाली। अरे बुलाया था ना उसको एक बार शादी में। किसकी? मेरी और उसकी। हे भगवान, मंगल कार्य होने जा रहा है, उस डायन का नाम क्यों लेते हो? तो तू नहीं जाएगा मेरे नहीं। साथ? ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं जा रहा हूं तेरे घर से मुंह काला करके। क्या खाक दोस्ती है। क्या हुआ, पैर में मोच आ गई? पैर में नहीं, दिल में। दिल में मोच आई तो कुर्सी कैसे गिरी? मैं तुझे लिए बगैर यहां से जाने वाला नहीं हूं। उतरो राणा जी, शुक्र है टाइम पे पहुंच गए। इसका पैकेट देना। सब ठीक यहाँ? अरे कन्या इसी कॉलेज में तो पढ़ाती है, उसके आने का टाइम हो गया, बस आती होगी। यहाँ खड़े रहेंगे तो आते हुए दिखाई देगी। खड़े रहना यहाँ पे। अच्छा तू इधर खड़ा रहे, मैं देख के आता हूँ। अरे मैं अकेला यहाँ पे। ओ चाचा जी, क्या चाहिए, ठंडा ठंडा कुलकुल या गर्मा गर्म पेश करूँ? अरे एनर्जी पी लो, बदन में सुरसुरी आ जाएगी। अरे सुरसुरी अंदर गई है ना, कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ा पूरा ठरके लग रहा है दोस्त। क्या चाचा, पंछी देखने आए हो क्या? आंख वाँख सेकने तो नहीं आयो चाचा? पढ़ाई कर बेटे, पढ़ाई कर, समझा? पढ़ाई की बात कर रहा है बूढ़ा। पुलिस कंट्रोल रूम। तारामल, सफा चट मत करना चाचा जी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना चाचा। अरे सुन, तूने कौन सा डिपार्टमेंट बोला था? इतिहास। तो सुबह जाके सीधा डिपार्टमेंट में बात करते हैं ना। अरे कन्या पसंद आएगी तो ही बात करेंगे ना, नहीं तो खाम का मेहनत क्यों करें? लेकिन फोटोग्राफ तो है ना। अरे अरे फोटो से कुछ नहीं होता, फोटो से धोखा खा सकते हैं यार, काली गोरी नाटी लंबी, कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। तू एक मिनट इधर हटना यार। वो देख टीचर्स का झुंड आ रहा है। अरे सब देख रहे हैं, इस तरह खाने पे टूट पड़ना अच्छा नहीं, तू मार खिलवाएगा यार। ओए तू छोड़ना मुझे यार, लो निकल गई। सुन सुन, बेटियो बेटियो रास्ता दो, बेटियो एक मिनट, आंटी को देखना है, बेटियो बेटियो रास्ता दो। अरे एक अरे वाह चाचा, क्या गॉगल्स है, अबे एकदम अमिताभ लगता है रे। थोड़ी सी कम है। अरे बाकी तो अमिताभ ही लगते हैं ना। पता होगा तुम्हारा बाप। अरे बाप पे काहे को जाते रे तू, तुम नाटक क्यों बोलते हो? माफ करो माफ करो, हम लोग जा रहे हैं, माफ करो। अरे लेकिन लेकिन बाप की गाली कैसे दे सकता है? अरे तो नाटक क्यों बोला मुझे? तो क्या बाप की गाली देगा क्या? आपके बाप की उम्र का तो बाप की गाली देगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार? पता नहीं कहां कहां से आए थे भाई। जाओ जाओ जल्दी जाओ। राशि के हिसाब से शुक्र दशा चल रही है मेरी, कुंडली से यारी तो क्या करेगी फौजदारी। कौन लुच्चा लफंगा सारा लड़कियों को छेड़ता है यहाँ पर है? ये दोनों बुढ़े, अबे पक्के बाल गुलाबी गाल है, धोती पहनकर तुम दोनों तीरथ घूमो, पेटी जैसी लड़कियों पर डोरे डालते हो। पर मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच बताता हूँ। अबे तू क्या सच बोलेगा, सच मैं बुलवाऊंगी, चल थाने चल। चल वो भाग रहा है। अबे ओए सूरदास की शर्ट वाले, तेरी तू क्या काम दुकान पे बेच के है? है साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाले तेरा नाम क्या है? Listen gentlemen, ये साला कौन सा नाम है, समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा? हाँ गुना करो, सॉरी बोलो, चलता रहो। अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे, वरना क्या? अबे ये वरना ने वाउना, बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना, आ तो बिना सबू के धो डालूंगा, ये धो डालूंगा मैं। अच्छा अच्छा, एक तो गंदा करता हूँ ऊपर से, अच्छा बोलता तू।
मेरा दिमाग गरम हो गया ना। मैंने टीवी पर देखा, मेरा दिमाग गरम हो गया ना। अबे टीवी हो या बाथरूम, मेरा दिमाग गरम हो गया ना। डैडी जी इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो। डैडी जी यही गुरु गुलाब खत्री जो लोगों को कॉफी पिलाकर मार डालता है, यही वो डॉन है। ये डॉन है? हाँ बहुत बड़ा ये डॉन। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। डालो इधर कचरा, डालो इधर, हम भी इधर ही डालते। इतना अच्छा जगह छोड़ के कितने डालेगा? डालो। अनमोल आचार्य डेंटिस्ट, कभी भी दाखिला फड़ो तो बोल देना। हाँ बोल देना। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल। हाँ स्मार्ट है। वो करे ना, उधर मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे अपना हाउस हस्बैंड हूँ। हाँ उधर चाय पीना आ जाना कभी भी। हाँ ओके ओके, चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर आइए? नहीं नहीं आइए। अरे भाई मेरे को काम है, उधर काम बाद में कर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने का भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। उतर उतर। क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। सामने बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो, ये साड़ी नदी पे रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत। अरे तू कौन सी भी हार जीतो, बाहरी इनाक से बोला बोला। हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा डॉन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे 2 करोड़ का इनाम, मुझे भी देखने दो। 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा, और अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है, गुंडा है, साला मार डालेगा, समझते नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी के गले के अंदर। बंद कर दरवाजा, बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सचमुच? अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो और सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ। तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ मैं पैसे देती हूँ, अभी की अभी टिकट लाते हैं। ए रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना, टीसी आएगा ना तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं। Shut up! Just go to the kitchen and do your work. इतना अच्छा मौका हाथ से गया। चलो वही हाथ से खाना बनाते हैं। दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है यह। दामाद जी चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है। लिखा है? जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? लिया तेरी सासू, मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा है, तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा, एक चिट्ठी है, दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार, चल। ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारना भी लेट होता है। किक धक्का मारना पड़ेगा, बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसका, बोल। कहो तो मैं छोड़ दूँ। He is dangerous. हम लोग चले जाएंगे अपने आप। हो भाई अपने आप जाएंगे। हो भाई आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। हम चले जाएंगे। हो भाई चले जाएंगे, मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है, 7:30 ये चलेगा, 7:30 मैं चलूंगा। ऐसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना। ये देखो ना मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का, ये रख अभी संभाल के। आप रखिए, आप बड़े। अरे भाई तू छोटा है ना, तू रख संभाल के गांडा। आप डैडी जी बड़े ना, लाइए मैं पोस्ट कर देता हूं। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे, हम लोग पोस्ट कर देंगे। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में।
कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या इसमें, आपके बारे में नहीं लिखा है? खास नहीं आपके बारे में नहीं। मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे पढ़े या समझे। समझे? सही बात है ना। देखो हम तो आपको पहचानते भी नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से आए क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का। आइडिया है तेरे को? नहीं है, बोलो। चलो क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया। क्यों क्यों काट लिया? क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला। अभी मैं काटता नहीं हूँ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से पे काबू कर लिया। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही जाता है। अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है। बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। वाह, दिखाता हूँ। पोपट जेब में रखता है? ते ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है? कर दे यार तू अंदर हो तो। ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये चाकू है, चाकू। चाकू? हाँ, इसे क्या है, वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है। ये बोलता पोपट ही है, इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ। टाइम प्लेस भाई, चौखवट कर लिए। 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना, है? तो समझो नहीं, टोटल 3, 1.5 तेरा 1.5 मेरा। क्यों? हंस नहीं, ठोक से। I love your smile. I love your smile. मेरी भी अच्छी है। चलो आओ कॉफी पी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऊपर जाओ भाई। मेरा भी ऊपर। आओ ना कॉफी पीते हैं।